आइए देख लाएगा। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। बस इससे पैसे का हिसाब मांगो तो इसके थोबड़े बनने लग जाते। लपट झंडी बता दे, ये बार के 150 और पिछले बार के 200 किधर गए? इधर शादी करने से पहले ही लोग करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं और तू साला केकड़ा 150-200 पे अटका हुआ है। अरे गर्दुल्ली, कम से कम हमारे पास 150-200 तो है ना, किसी के पास तो ये भी नहीं होता। अच्छा ज्ञान था चिलगुजे, इसके लिए तो तू 10 साल से नौकरी नहीं चेंज कर रहा, वही कम सैलरी में काम कर रहा है। ज्ञानो देवता बात सही है, लेकिन इतने थोड़े में भी सेटिस्फाई नहीं होने का, नहीं तो चोमू के चोमू रह जाएंगे हम दोनों। फिर एक दिन दोनों रोड पे भीख मांगेंगे ना, फिर तू बोलेगा कम से कम भीख तो मिल रही है। फिर भीख नहीं मिलेगा तो तू और मोटिवेशन देगा, कम से कम कचरे में से खाना तो उठा के खा सकते हैं। हाँ ना, समझ गया पिशाच औरत। तो भैरवनाथ कमाओ। खाना बनाना तो तुमसे आता नहीं है, कम से कम झाड़ू पोछा तो ढंग से कर लिया करो। बेबी, शक्ल तो आपकी अच्छी है नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मैडम जी, मैं आपको कैसे लगता हूँ? अरे बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, सो स्वीट। देखो मैं कहते था ना, मैडम जी मुझ पे लाइन मारती है। बच्चों, तुम अपनी मंजिल पाना चाहते हो? हाँ मैडम। आसमान छूना चाहते हो? हाँ मैडम। तो बाज बनो, लौंडिया बाज नहीं। मैडम जी, ये लौंडा बाज। तू है लौंडिया बाज? तुम दोनों की इतनी शिकायतें आ चुकी है ना, कल को अपने पापा को बुला के लाना। ले अबान, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम घर पे जाके पढ़ते हो? हाँ मैडम, मैं तो पढ़ता हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम जी, आप नहाती हो? हाँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। बदतमीज, निकलो क्लास से बाहर। सुहेल, तुम क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तुमने कभी कोई बुक खोल कर देखी है? हाँ मैडम जी, मैं रोज एक बुक खोलता हूँ। कौन सी बुक? फेसबुक। अरे फेसबुक कोई बुक है? अबान। यस मैम। चलो बताओ, बड़े हो के तुम क्या बनोगे? मैडम जी, आपका दूल्हा। करियर में पूछ रही हूँ, बहुत जल्दी है तुझे दूल्हा बनने की। ओहो मैडम जी, आप इस स्कूल में नई हो क्या? हाँ। वाय दबे, मैं इस स्कूल का टॉपर हूँ। तो मुझसे सैड हो जाओ तुम? अबे ओ, इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। मैडम जी गलती हो गई। मैडम सुनो तो। कामिल खड़े हो जाओ, 5-5 कितने हुए? नहीं पता मैडम जी। बैठ जाओ, गंवार कुछ आता भी नहीं है। मैडम जी मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। ये बताओ, हमारे पास 5 भटूरे हैं, वो हमने खा लिए तो हमारे पास क्या बचा? मैडम जी छोले। बच्चों, सिगरेट हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी मैम। चलो बताओ, सिगरेट पीने से क्या होता है? मैडम जी, सिगरेट पीने से हमें बुढ़ापे में तकलीफ नहीं होती। तकलीफ नहीं होती, वो कैसे? क्योंकि हम जवानी में मर जाते हैं ना। अरे नालायक, कैंसर हो जाता है इससे। बच्चों देखो, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। आयो रे मां। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।